दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस समय मैं क्वांटम कंपनी के स्टॉल पर हूँ और क्वांटम कंपनी के आप इस समय तीन स्कूटी देख रहे हैं, लेकिन ये तीन स्कूटी जो आपको दिख रही है ये असल में स्कूटी तो है ही, स्कूटी के अलावा लोडर का भी काम करती हैं। तो किस तरह से स्कूटी लोडर का काम करती है और किस तरह से मार्केट में धूम मचा रहे हैं, धूम धड़ाका से सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप इन स्कूटियों को कितने रुपए में खरीद सकते हैं और किस किस तरह के काम इस स्कूटी से ले सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस समय सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जिस तरह से हमने स्कूटी में देखा है एक सिंगल सीट होती है और उसी सीट पर आगे भी बैठने वाले हैं, पीछे बैठे हैं, लेकिन आपने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया सीट को। ये जो है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग, इनका स्टाइल ये ध्यान में रखा गया कि ये घर के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। अगर दो राइडर हैं आगे और पीछे तो दोनों बैठ सकते हैं सीट को हॉरिजॉन्टल करके इस तरीके से, और अगर अगर एक राइडर ही है और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ्लीट को एंटरटेन करना चाहते हैं, जिस तरीके से बॉक्स वगैरह आजकल जो फ्लिपकार्ट वगैरह के जो सप्लायर्स होते हैं, राइडर्स आते हैं, वो अगर कंफर्ट चाहते हैं तो उनको ये एक तरीके से सोफा भी काम करेगा और पीछे से बैक मिलेगा जहाँ पर सामान रखने की जगह मिल जाती है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अच्छा, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई इस स्कूटी को खरीद ले तो दोनों तो जब उसे जाना है कहीं वैसे घूमने फिरने तो आराम से जा सकता है, और ये चाहे कभी भी कि मैं इस पे कुछ कॉमर्शियल काम कर लूँ तो वो भी आसानी से हो सकता है। जनरली अभी हमारा दिल्ली NCR में बहुत अच्छा इसका फ्लीट सर्विसेज को लेकर ऑर्डर्स मिल रहे हैं हमें और काफ़ी एग्रेसिव काम कर रहे हैं हम, क्योंकि असल में जो लोडर चल रहे हैं उनका डिजाइन भी कुछ अलग होता है और वो देखने में दिख जाते हैं भाई ये तो लोडर है, जबकि इसकी तो पहचान ही ना होगी कि ये लोडर है या ये सिंपल है। ये दोनों पर्पज से बनाए गए, इसमें आप डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं और कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये इसे उठा रखा था, इसे नीचे करके दिखाना सर एक बार जरा। अच्छा, आसानी से नीचे हो, बहुत आसानी से नीचे हो। और ऊपर कैसे करेंगे? ये इसका लॉक सिस्टम है। अच्छा, मतलब लॉक भी, लॉक तो कहाँ से करना, दबाना कहीं से? नहीं, इसमें हमने खोला, ये ऑटोमेटिक लॉक है। अच्छा, ये ऊपर उठा के नहीं लॉक है, अब वापस जब इसको अनफ्लैप करना है तो ये कर उठाना पड़ेगा। इतने आसानी से हो जाएगा फिर? बहुत आसानी से, कुछ ही नहीं। जब कोई इस पे बैठेगा सर तो फिर पीछे से आसानी से हो जाएगा ये? हाँ, मतलब ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई इसमें बैठेगा, हाँ, इसे पीछे कमर लगाएगा, हाँ, तो फिर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, इसमें लॉक सिस्टम है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया खड़ा होने के बाद। अच्छा, वापस इसको नीचे करने के लिए इसको ऊपर उठाना। अच्छा, पड़ता है, वो लीवर है, थोड़ा ऊपर उठाकर तभी नीचे इसी तरीके से काम करेगा। जी। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है, काफ़ी अच्छा इनमें दिमाग लगाया गया है, क्योंकि ये दोनों तरह से स्कूटर काम कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें और क्या फीचर्स दिए हुए हैं, इसमें कीमत क्या है इसकी? तो सर फीचर्स और क्या क्या हैं इसके? ये लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास होता है और ये 110 किलोमीटर का माइलेज देता है एक चार्जिंग में 110 किलोमीटर का माइलेज देता है, 4 से 5 घंटे चार्जिंग टाइम लेता है, और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल मॉडल है क्योंकि इसकी लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और 110 किलोमीटर जैसे मैंने आपको बताया 110 किलोमीटर माइलेज है, और इसमें मोड सिस्टम दिए गए हैं, इकोनॉमिक मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड, तीन मोड दिए गए जिनमें अलग अलग माइलेज मिलता है। अच्छा, कोई अगर इसको फास्ट चलाना चाहता है तो अप टू 60 किलोमीटर तक इसकी रेंज, किलोमीटर की पर आवर की स्पीड जा सकती है इसमें, तो उस केस में थोड़ा सा माइलेज कम आएगा लेकिन स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी। हाँ, मतलब किसी को जल्दी जाना है तो वो भी पर्पज़ है, तीनों पर्पज़ है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारा RTO रजिस्टर्ड है, इसलिए फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, स्लो मूविंग प्रोडक्ट हम नहीं है। अच्छा, हम जो आपके यहाँ ये तीनों स्कूटर देख रहे हैं ये तीनों सेम टू सेम काम करेंगे? अलग अलग, एक ही मॉडल के अलग अलग वेरिएंट है। कैसे कैसे, मतलब क्या है अंतर, क्या है इनमें? ये थोड़ा सा जैसे ये सारे लिथियम आयन बैटरी है, इसमें NMC है, लिथियम के अंदर जो कंटेंट होता है वो NMC है, इसमें LFP है, और ये फास्ट चार्जिंग मॉडल है हमारा। फास्ट चार्जिंग कितनी जल्दी चार्ज हो जाएगा सर? ये सर 15 मिनट में पूरी चार्ज कर लेता है, 15 मिनट में बैटरी पूरी चार्ज कर लेता है। 15 मिनट में कैसे हो जाएगी सर बैटरी चार्ज की? इसकी कीमत ही उसी हिसाब से, इसकी बैटरी और इसका चार्जर स्पेसिफिक अलग ही होता है। और कितने किलोमीटर जाएगा ये? 15 मिनट में चार्ज होने के बाद 60 किलोमीटर जाता है। 60 किलोमीटर चला जाएगा। अच्छा सर, कीमत क्या है इनके अलग अलग? इन तीनों की बात कर रहा हूँ तो सर, इन दोनों की बात करूँ तो लगभग ये 1,10,000 रुपये के आसपास जाके होता है, 1,10,000 से 1,15,000 रुपये तक आ जाता है। इसकी बात करी जाए तो सर ये अभी मार्केट में लगभग 2 लाख के आसपास है। 2 लाख के आसपास है मार्केट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, तो सर इसे इंट्रोड्यूस करेंगे अभी, कोई अगर इसे खरीदना चाहे इनको तो कहाँ से खरीद सकते? दिल्ली में हमारे 2 डीलर हैं और एक नोएडा में है, गुड़गांव में हम ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं, राजस्थान में अभी अच्छा खासा नेटवर्क है हमारे, 7-8 डीलर बन चुके हैं, और पोलो ऑल ओवर इंडिया में अभी हमें 60+ डीलर नेटवर्क है हमारे पास। अच्छा, कोई अगर ऑनलाइन आपसे संपर्क करना चाहे तो कोई वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, www.quantumenergy.in पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी सर, सारी जानकारी। कोई टोल फ्री नंबर्स वगैरह? वो उसमें मेंशनड है, कंप्लीटली वेबसाइट पर मेंशनड है।